दोस्तों, अगर आपने भी कल वाला ग्लिच इस्तेमाल करके अपने फ्री फायर आईडी में इलाइट पास निकाला है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या उस ग्लिच को इस्तेमाल करने से आपकी फ्री फायर आईडी बैन हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, ऐसे ही कमेंट आ रहे हैं मेरे वीडियोज पे। आप देख ही सकते हो, बहुत सारे बंदे मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या हमने उस ग्लिच का इस्तेमाल करके अगर इलाइट पास निकाला है तो हमारी आईडी के साथ किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी, तो आप मुझे बता दो। सो फाइनली आज हम बताने वाले हैं कि क्या आपकी आईडी बैन होगी या फिर नहीं, पूरा जो प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूं और पूरी जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि जैसे आप इस इवेंट में जाते हो तो आपको इलाइट पास ऑफर इवेंट नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये हमारे फ्री फायर में 27 तारीख को आने वाला है। तो 27 तारीख को आने वाला है तो आज तो 24 तारीख है, तो ऐसे में आज तो 25 तारीख है, तो ये इवेंट हमारे फ्री फायर में आया ही नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने प्री एक्सेस करके थोड़ा बहुत ग्लिच इस्तेमाल करके उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। अभी लोगों को प्रॉब्लम ये है कि उनकी आईडी बैन होगी या फिर नहीं होगी। तो गाइस, इसका सिंपल सा उत्तर है कि आपकी जो आईडी है वो बैन नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, आपकी फ्री फायर आईडी बैन नहीं होगी, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये आपने कोई ग्लिच इस्तेमाल नहीं किया। ग्लिच देखिए, अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करते, सिर्फ आपने डेट चेंज की उसके बाद में कुछ नहीं किया, डेट तो आप अपना मोबाइल ऐप चेंज कर ही सकते हो, तो ग्रीन फ्री फायर आपकी आईडी के साथ कुछ भी नहीं करेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी 27 तारीख को तो ये इवेंट आने ही वाला है, तो और भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फ्री फायर को जब तक पता चलेगा कि इंडिया वाले ने ये कर दिया है तब तक तो ये इवेंट आ चुका होगा। और वैसे अगर फ्री फायर को पता भी चल जाता है तो आपकी आईडी बैन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक ग्लिच नहीं है गाइस, ग्लिच नहीं है, ये एक ट्रिक है। ग्लिच एक अलग चीज हो जाती है, ट्रिक एक अलग चीज हो जाती है। और आपने ज्यादा कुछ किया ही नहीं, सिर्फ डेट चेंज की, डेट चेंज करना कोई गुनाह नहीं है, ग्लिच नहीं है, तो आपकी फ्री फायर आईडी बैन नहीं होगी, इतना ही कहना चाहूंगा। अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि क्या फ्री फायर को पता चलता है हमारा इलाइट पास वापस ले लेगा। जी नहीं दोस्तों, इलाइट पास वापस नहीं लेगा, आपका इलाइट पास भी वापस नहीं लेगा, जो भी रिवॉर्ड मिले वो भी वापस नहीं लेगा। और ये इवेंट आ गया है, उसका आनंद लिया है आपने, कोई दूसरे जो गलत फहमी या फिर गलत तरीके से आपने इस्तेमाल नहीं किया। फ्री फायर का देखिए, कोई भी इवेंट देने का मेन मोटिव होता है, आजकल बता रहा हूँ, पहले तो क्या होता था मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल एक ही लक्ष्य होता है फ्री फायर का कि जैसे तैसे हम इंडिया सर्वर से पैसे कमा ले। और पैसे तो आप देख रहे हो ना, डायमंड उसमें खर्च किया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आईडी बैन नहीं होगी। सो फाइनली आप समझ गए होंगे कि आपकी आईडी के साथ कुछ भी नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, पास मारने वाले घंटे को दबाना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना मेरी जान, क्योंकि आपके बिना मेरी जिंदगी सुनी सुनी लगी है।